सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। राहुल द्रविड़ के बाद दर्शन में खेल रही टीम इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत की। ओवल मैदान पर खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 16 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम के खाते में 2 अंक आ गए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया को 329 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया हासिल नहीं कर पाया और 228 रनों पर ही ढेर हो गई ऑस्ट्रेलियन टीम। कप्तान पृथ्वी शो की 94 रनों की पारी ने सबका मन मोह लिया। नागरकोटी और शिवम ने 3-3 विकेट लिए, वहीं अभिषेक शर्मा और अनुकूल रॉय को 1-1 सफलता मिली। भारत के कप्तान पृथ्वी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। पृथ्वी की ऐसी पारी देखकर हर कोई हैरान था। सबसे बड़ी बात यह कि इस बल्लेबाज ने जिस अंदाज में शॉट्स लगाए उन्हें देखकर टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की याद आ गई। कमेंटेटर्स ने भी इस बल्लेबाज की जमकर तारीफ की। ऐसे में देखना होगा कि टीम इंडिया ने शुरुआत तो अच्छी कर दी, अब आगे किस तरह का खेल दिखाती है और आने वाले मैचेस में किस तरह से दूसरी टीमों को परास्त करती है। पल पल की अपडेट लगातार हेडलाइंस स्पोर्ट्स आपको देता रहेगा। इस खबर को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, साथ ही हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।